ऐसे गोद से बच्चा नहीं उतरता है कि जैसे गोद से बच्चा नहीं उतरता है। दुरूद भेजी मोहम्मद। बतूल आके वहीं बैठती है मजलिस में, बतूल आके वहीं बैठती है मजलिस में जहां सरों से दुपट्टा नहीं उतरता है। दुरूद भेजी मोहम्मद। इजाजत रदीफी कलाम पेश करता हूँ कि इस कदर अच्छी नहीं बेगानगी कुरान से, इस कदर अच्छी नहीं बेगानगी कुरान से, कम से कम मोमिन तो रखे दोस्ती कुरान से। इस कदर अच्छी नहीं बेगानगी कुरान से, कम से कम मोमिन तो रखे दोस्ती कुरान से। जिस कदर नजदीक होगा आदमी कुरान से, जिस कदर नजदीक होगा आदमी कुरान से, उस कदर पाएगा वो फरजानगी कुरान से, उस कदर पाएगा वो फरजानगी कुरान से। फिज़ाओ बहलौल की सूरत में होता है आया, फिज़ाओ बहलौल की सूरत में होता है आया, हो अगर इंसान की वाबस्तगी कुरान से, हो अगर इंसान की वाबस्तगी कुरान से। मुस्तफ़ा की गोद में थे मुर्तज़ा महवे कलाम, मुस्तफ़ा की गोद में थे मुर्तज़ा महवे कलाम, हो रही थी गुफ्तगु कुरान की कुरान से। मुस्तफ़ा की गोद में थे मुर्तज़ा महवे कलाम, हो रही थी गुफ्तगु कुरान की कुरान से। कातिले शब्बीर को छुपने की जा मिलती नहीं, कातिले शब्बीर को छुपने की जा मिलती नहीं, दश्त में पैदा हुई वो रोशनी कुरान से, दश्त में पैदा हुई वो रोशनी कुरान से। जानकर शब्बीर को कुरान ज़िबह कर दिया, जानकर शब्बीर को कुरान ज़िबह कर दिया, असल में थी दुश्मनों को दुश्मनी कुरान से, असल में थी दुश्मनों को दुश्मनी कुरान से। क्या खबर थी बद्र के हारे हुए अशरे के दिन, क्या खबर थी बद्र के हारे हुए अशरे के दिन, मुनहरिफ हो जाएंगे सब उम्मती कुरान से, मुनहरिफ हो जाएंगे सब उम्मती कुरान से। बाए बिस्मिल्लाह समझ बर जुबाने मुर्तज़ा, बाए बिस्मिल्लाह समझ बर जुबाने मुर्तज़ा, बाए बिस्मिल्लाह समझो बर जुबाने मुस्तफ़ा, बाए बिस्मिल्लाह समझो बर जुबाने मुस्तफ़ा। आओ बैठो और सुनो शाने अली कुरान से, आओ बैठो और सुनो शाने अली कुरान से। नुसरत मजलूम है पेशे नजर कैसर उन्हें, नुसरत मजलूम है पेशे नजर कैसर उन्हें, दे रहे हैं जो रदीफे शायरी कुरान से, दे रहे हैं जो रदीफे शायरी कुरान से। इस कदर अच्छी नहीं बेगानगी कुरान से, कम से कम मोमिन तो रखे दोस्ती कुरान से। मुस्तफ़ा की गोद में थे मुर्तज़ा महवे कलाम, हो रही थी गुफ्तगु कुरान की कुरान से। कम से कम मोमिन तो रखे दोस्ती कुरान से। खूबसूरत कलाम पेश कर रहे थे बारगाह इलाही में बीबी फातिमा जहरा, इनकी इस कोशिश को कबूल मंजूर फरमाएं। मैं ये ऐलान कर दूं कि हमारी इन महाफिल में मौलाना साहब की तकरीर के इख्तिताम पर सवाल और जवाब का सिलसिला रखा गया है। जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं और बाकी जो ऑनलाइन देख रहे हैं, वो भी अपने सवालात तरतीब देकर रख सकते हैं।
इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि जिस कदर मुमकिन हो मौलाना साहब लोगों के सवालात को इस्तफसार को बयान फरमा सकें। जो लोग बाहर खड़े हैं मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि अंदर तशरीफ ले आएं। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावात। ये महाफिल तफासीर कुरान आपको शौक दिलाने के लिए हैं, ये आबियारी करने के लिए है। ये नहीं कि सिर्फ 10 दिन या इस माह में ही कुरान की तलावत की जाए या कुरान की जस्तजु की जाए। दरअसल ये एक बीज बोया जा रहा है ताकि हर दिन आप कलाम इलाही को समात फरमाएं। इसलिए भी जरूरी है, हुसैनियों के लिए इसलिए भी जरूरी है कि हुसैन ने करबला में लश्कर जमा करने के लिए इजाजत नहीं मांगी एक दिन की। हुसैन ने इबादत के लिए और तिलावत कुरान के लिए एक दिन की मोहलत मांगी। अपने आने वाले हुसैनियों को बता दिया कि देखो हुसैन को कुरान से कितनी मोहब्बत है। और यही नहीं कि सिर्फ 9 मुहर्रम की रात को तिलावत की, बल्कि हुसैन ने ज़िबा होने के बाद 9 के सिना पर जाकर भी कुरान की तिलावत करके बताया कि ए हुसैनियों देख लो हुसैन को कुरान से कितनी मोहब्बत है। मैं मुल्तमिस हूँ अल्लामा मुअल्लिम उस्ताद जनाब शहंशाह नकवी साहब से कि वो आज दूसरी मजलिस तफसीर कुरान से खिताब फरमाएं। मौजू है सूरह यूसुफ। बर मोहम्मद आले मोहम्मद सलावात। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نقمه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني ابو القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين من يوم عداوتهم الى قيام يوم الدين اما بعد قال الحكيم في قران الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را تلك ايات الكتاب المبين ان انزلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون ان انزلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القران وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ قَالَ يَا بُنَيَّ لَا تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ
ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما تمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف واتركوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك ما لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون صلوات اللهم صل اور ذاکرین اور سامعین اور بانی اور اہتمام محتمم یعنی سید جعفر علی رضوی سیدہ ملیکہ خاتون سیدہ صالحہ نا تقوی آپ سب کے مرحومین کے لیے ایک سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اياک نعبد و اياک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم صل على محمد وعلى محمد مغفرت کے لیے صلوات پڑھیں اللهم صل على محمد وعلى محمد ابرار بھائی آگے آ جائیے ابرار بھائی ابرار حسن صاحب آگے تشریف لے آئیں گے ایک صلوات اور نبی کی ذات پہ تلاوت اللهم صل على محمد وعلى محمد ایک اور بلند صلوات سورہ مبارکہ یوسف اللہ اس لیے بیان کے نشانیاں ہیں جاننے والوں کے لیے پیغامات ہیں قرآن کی یوں تو ہر آیت ہمارے لیے ہادی ہے رہنما ہے مگر قرآن قرار دیا ہے تاکہ انسان ان سے کچھ سیکھتا رہے اور اپنے معاملات کو بہتر کرتا رہے دیکھیے انسان نہیں بدلتا اس کے وسائل بدلتے ہیں اس کے زندگی کے اسباب تبدیل ہوتے ہیں مگر انسان نہیں بدلتے ہیں جو شوق ہیں اس کے جو ذوق ہیں اس کے جو معاملات زندگی ہیں اس کی جو زندگی کی لذتوں کا اور نفرتوں کا اور جو رغبتوں کا سواریاں وسطی اور بغیر کسی فاصلے کے کوئی تعلق نہیں ہے قرآن ضمناً تو بات کرتا ہے انسان کے وسائل پر قرآن ذیلاً اور حالا انسان ہے انسان نہیں بدل رہا انسان تبدیل نہیں ہو رہا اسی لیے قرآن بھی تبدیل نہیں ہو رہا اس لیے قرآن بھی پرانا نہیں ہو رہا اس لیے کہ قرآن مجید جو مخاطب ہے وہ انسان کی فطریات سے مخاطب ہے لہذا مثلاً ہزار سال پہلے والا انسان بھی عادل ہے وہ ظالم ہے اس کے پاس وسیلہ بدلا ہے تو اگر انسان کی فطرت اور اس کی جبلت سے متعلق گفتگو کی جائے تو وہ یا ہاتھ میں تیر اٹھائے یا ہاتھ میں جدید اسلحہ اٹھائے اسے اپنے ظلم کے اظہار کے لیے کسی اسلحے کی ضرورت ہے تو اگر اس کی سوچ کو تبدیل کر دیا جائے اس کے سوچنے کے پھر کیا فرق پڑتا ہے کہ اس نے تلوار اٹھائی ہے یا اس نے ایٹم بم کے بایا ہے وہ تو امور ہیں جتنے بھی نکات ہیں پیغامات ہیں قرآن مجید کو اولویت اور اہمیت دیتا ہوا نظر آتا ہے قصص کو بھی واقعہ مبارکہ یوسف کی تو آپ دیکھیں گے کہ آج بھی ایسا ہی ہے اور یہ واقعہ تو حضرت نبی مکرم سے بھی ہزار سال پرانا واقعہ ہے یعنی سرکار کو 1400 سال گزر آج بھی وہی ہیں تو ہمیں اس دور میں پلٹایا اس لیے جا رہا ہے کہ اس دور میں جو کچھ ہوا اس کو اللہ نے ایک درس کے طور پر ایک سبق کے طور پر ایک ہمارے لیے رہنما اصول کے طور پر قرآن مجید کے اندر اتار دیا نازل کر دیا واقعہ 12 آیت ہے سورہ مبارکہ یوسف کی
गुज़िश्ता आयात आपके ज़हन मुबारक में हैं जो साल गुज़िश्ता मेरे साथ रहे और जो कल की मजलिस में भी थे, तो हमने साल गुज़िश्ता का ख़ुलासा एक पहली निशस्त के अंदर बयान किया। मैं फिर कोशिश करता हूँ 5-8 मिनट में उस जो अब तक 11 आयात का ख़ुलासा है वो बयान कर दूँ। आयत को यानी इस सूरे को परवरदिगार आलम ने हज़रत यूसुफ के गिर्द करार दिया है। हुआ यह था कि हज़रत यूसुफ के वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, खुद एक नबी, उनके 12 बेटे और वो खुद और उनकी अहलिया, एक बड़ा ख़ानदान, एक बड़ा कबीला, हज़रत यूसुफ और उनके एक भाई बिन्यामीन एक माँ से थे और बाकी 10 बच्चे उनके दूसरी माँ से थे। हज़रत यूसुफ और बिन्यामीन ही नहीं बल्कि सारे बच्चों से हज़रत यूसुफ हज़रत याकूब का प्यार था, बाबा का औलाद से प्यार था, मगर अदल का तकाजा था और इंसाफ का तकाजा था कि जो नबी है उसे नबी माना जाए, जो उम्मती है उसे उम्मती माना जाए। लिहाजा हज़रत याकूब ने नबी बेटे के साथ जो प्यार का मुजाहरा किया वो दूसरे बेटों के साथ नहीं किया। यानी वो इस वजह से नहीं था कि वो हज़रत याकूब माज़ल्ला नाउज़ुबिल्ला अदल से हट रहे थे और एक इस्मत का तकाजा तो यह है कि उनके नज़दीक सारे बच्चे एक जैसे होने चाहिए, जैसे बाप के नज़दीक सारे बच्चे एक जैसे होने चाहिए, उस बाप के नज़दीक भी जो नबी है उसके नज़दीक भी सारे बच्चे एक जैसे होने चाहिए। लेकिन अगर हज़रत याकूब हज़रत यूसुफ से ज़्यादा प्यार कर रहे हैं, उनका ज़्यादा ख्याल कर रहे हैं, उन पर तवज्जो ज़्यादा दे रहे हैं, तो ये इस वजह से नहीं था कि कोई फ़र्क था, बल्कि ये इस वजह से था कि हाँ फ़र्क था, इसलिए कि वो नबी थे। और कैसे नबी को उम्मत के बराबर करार दे दिया जाए। सलवात पढ़े जरा मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो ये हज़रत याकूब का हज़रत यूसुफ से जो प्यार था वो तकाज़ाए अदल था और तकाज़ाए भाइयों ने उसे लिया कि हमारे बाबा एक भाई से ज़्यादा प्यार करते हैं और दूसरे भाइयों से ज़्यादा प्यार नहीं करते, जबकि दूसरे भाई उम्र में सन साल में उनसे ज़्यादा बड़े भी थे। बाद लोगों ने लिखा है क्योंकि हसीन ज़्यादा थे हज़रत यूसुफ इसलिए हज़रत याकूब ज़्यादा प्यार करते थे। नहीं, ये बात माकूल, ये बात कहने की नहीं है। इस वजह से प्यार नहीं था उन्हें, अगरचे फितरी तौर पर इंसान नबी जब नबी है तो वो फितरतन इंसान भी तो है, और फितरी तौर पर इंसान खूबसूरती को पसंद करता है। तो अगर हज़रत याकूब इस बुनियाद पर भी हज़रत यूसुफ से प्यार करते थे कि वो खूबसूरत थे तो भी फितरत के मुताबिक था। लेकिन यहाँ हम बात बालातर करेंगे, इससे ऊंची बात करेंगे कि हज़रत याकूब इस वजह से प्यार नहीं कर रहे थे कि वो खूबसूरत थे, बल्कि इस वजह से कि उन्हें पता था ये नबी हैं। अब ये जो हासिदाना माहौल बना, इसमें हुआ ये कि हज़रत याकूब से हज़रत यूसुफ ने आकर कहा कि बाबा मैं ख्वाब देख रहा हूं कि 11 सितारे और एक सूरज और चांद मुझे सजदा कर रहे हैं, बाबा बताइए ये क्या है। फरमाया, ए मेरे लाल, इस ख्वाब को अपने भाइयों के सामने बयान मत कर देना, इसलिए कि तुम्हारे भाई फिर तुम्हें तुम्हारा ये ख्वाब सुन के तुमसे हसद करने लगेंगे और तुमसे दुश्मनी करने लगेंगे, और शैतान बहुत ज्यादा बहकाने वाला है, शैतान खुला दुश्मन है इंसानों का, तुम्हारे भाई तुम्हारे साथ ऐसा करेंगे। गरज ये कि हजरत यूसुफ को परवरदिगार आलम ने वो कमाल अता किया, वो कमाल अता किया कि जो उनके आबा व अजदाद को भी अता किया था, इब्राहिम, इसहाक और इन, और फिर कहा कि इस वाक़े के अंदर हमने लोगों के लिए बड़े पैगामात रखे हैं। हुआ ये कि भाइयों ने, अब किस्सा यहाँ से शुरू हो रहा है, भाई जमा हुए आपस में और भाइयों ने जमा होकर कहा कि हमारे बाबा यूसुफ से और उसके भाई से बिन्यामीन से ज़्यादा प्यार करते हैं और हमसे कम प्यार करते हैं, जबकि हम ज़्यादा हैं, हम बड़े भी हैं, हम ताकतवर भी हैं, हम कमाऊपूत भी हैं, हम जाके मेहनत करते हैं और जाके वसाइल जमा करके लेके आते हैं, मगर उसके बावजूद बाबा हमारे हमसे ऐसा प्यार नहीं करते, लिहाजा हमारे बाबा, अब जो उन्होंने कहा है, अगर मैं इसको अपने अल्फाज में कह देता तो मेरे ऊपर FIR कट जाती तौहीन नबूवत की, इसलिए कि उन्होंने कहा है कि हमारे बाबा खुली गुमराही में है। यानी औलाद, वो भी एक नबी की औलाद, नबी की औलाद नबी को कह रही है, नबी की तौहीन कर रही है। तो ये कुरान में आयातुल लिसाइलीन, समझो कि ऐसा हो सकता है कि कोई नबी के इतने करीब हो कि अभी नबी की अकल पर शक करे,
सलवात हदिया करें मोहम्मद व आले मोहम्मद जी। ये कुरान है। ये कहने लगे बाबा हमारे लफी जलाल मुबीन उक्तलू यूसुफा। कहने लगे एक काम करते हैं मिलकर, बाबा तो मान नहीं रहे, बाबा तो समझ नहीं रहे माजल्लाह, और अब हम ऐसा करते हैं कि यूसुफ को मार डालते हैं और फिर कहीं भी फेंक कर आ जाते हैं ताकि इससे जान छुटे हमारी और फिर हम अपने चैन से जिंदगी गुजारें और आराम से हमारे अय्याम गुजरे। तो उनमें से एक ने कहा काल कायल मिनहुम, उनमें से एक ने कहा कैसा नहीं करो, इसे मारो नहीं बल्कि एक काम करते हैं, एक कुआं है, मखसूस कुआं था, इसमें तो नहीं है इशारा के, इसमें तो ये नहीं है कि एक फला कुआं, बल्कि उसमें है कि वो कुआं जिसमें बैठने की जगह बनी हुई है। गैबातिल जुब आयत जो कह रही है वो कि एक ऐसा भी कुआं था उस वक्त में कि जिसमें अगर कोई वहां पर वो बैठ सकता था और उसकी जान बच सकती थी। तो कहा कि हम वो जो कुएं के अंदर जगह, जिस कुएं में जगह बनी हुई है ना, उस कुएं में जाके इसे फेंक कर आ जाते हैं, ये वहां बैठा रहेगा और फिर कुछ कोई काफिला गुजरेगा और काफिला जब डोल डालेगा पानी लेने के लिए तो ये उसके जरिए से बहरहाल बच जाएगा और वो काफिले वाले इस बच्चे को अपने साथ ले जाएंगे, हमारी भी जान छुट जाएगी और ये मरेगा भी नहीं और हमारी भी जान छुट जाएगी। तो इन्होंने ये करने का तय किया कि अब हमें ऐसा करना है। अब जब ये तय कर लिया इन्होंने कि हमें ऐसा करना है तो फिर ये हजरत आए हजरत याकूब के पास, अपने बाबा के पास। अब पिछले साल वाली आखिरी आयत आकर इन्होंने कहा बाबा क्या बात है, आप यूसुफ के बारे में, आप यूसुफ के बारे में हम पर एतबार नहीं करते। अच्छा ये जुमला बता रहा है कि ये बार बार पहले भी ख्वाहिश कर चुके थे कि यूसुफ हमारे हवाले कर दीजिए, यूसुफ हमें दे दीजिए, हम इसे कहीं ले जाते हैं खेलने कूदने, कहीं तफरी करने, कहीं घूमने फिरने, आप इसे हमें हमारे हवाले कर दीजिए। और हजरत याकूब अक्सर उनकी इस ख्वाहिश को रद्द कर देते थे। कुरान का लबो लहजा तो ऐसा ही है, वो लहजा ये कह रहा है कि बाबा क्या बात है, आप हम पर एतबार क्यों नहीं करते, आप हमारे साथ यूसुफ को क्यों नहीं भेजते। और फिर साथ में क्या कहा, वह इन्ना लहू लनाहसहून, हम तो इसके खैर ख्वाह हैं। अच्छा अब आपको और हमें क्योंकि बैकग्राउंड पता है कि कैसे खैर ख्वाह हैं, क्या तय किया हुआ इन्होंने, ये तो फेंकने जा रहे हैं, इनमें से अक्सर तो मारने की बातें कर रहे थे, इनमें से एक के कहने पर कि नहीं मारना नहीं है, इसे कुएं में फेंक देना है, तो ये तय करके आए। ये तो कम से कम तय है कि ये फेंकने जा रहे हैं अपने भाई को, अपने भाई को कुएं में फेंकने जा रहे हैं, और फिर भी क्या कह रहे हैं, इन्ना लहू लनासिहून, हम तो इसके खैर ख्वाह हैं। तो ये जो लंबी लंबी बातें जो कर रहे होते हैं ना, नारे जो लगा रहे होते हैं, दावे जो कर रहे होते हैं, हमेशा दावा करने वाले से होशियार रहने की जरूरत है। जो काम करने वाला होता है वो नारा नहीं लगाता, जो काम करने वाला होता है वो दावा नहीं करता। यहां पर इनके इरादे भी खतरनाक, साथ में दावा ये कि हम तो इसके खैर ख्वाह हैं। अब इसकी बाद वाली आयत जो आज वाली आयत है जिस पर मैं आपसे तवज्जो चाहूंगा, क्या कहा इन्होंने, बारहवीं आयत, अरसिल हो माना गदन, बाबा हमने तय किया है कल हम घूमने जा रहे हैं, खेलने जा रहे हैं, इसे हमारे साथ कल भेज दीजिए, कल इसे हमारे साथ भेज दीजिए, यरता व यालब, वो जो कुछ खुशगवार और खुश आबो हवा ज़मीनें हैं, खुश जो सब्ज़ा और हरियाली जहाँ पर है, जहाँ टीले हैं, सब्ज फूल पौधे लगे हुए हैं और घास उगी हुई है, एक ऐसी जगह है वहाँ हम चढ़ेंगे उतरेंगे, यरता व यालब, हम खेलेंगे भागेंगे एक दूसरे के साथ, तफरी हमारी तफरी रहेगी, ऐसी कैफियत में हम रहेंगे, वहाँ हम इसे ले जाना चाह रहे हैं, आप इसे हमारे साथ भेज दीजिए। व इन्ना लहू लहाफिज़ून, अगर अगर मुमकिन है तो जो अहबाब थोड़ा थोड़ा सा आगे आ सकते हैं तो इनायत फरमाए, एक सलवात पढ़ते हुए कुछ आगे आए। एक और सलवात पढ़ लीजिए, एक और बुलंद सलवात, अल्लाहुम्मा सल्ल अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आपकी तवज्जुहात का ममनून हूँ। इस आयत पर गौर करना चाह रहा हूँ मैं, अहले दिक्कत से चाहूँगा कि तवज्जो करें और दुआ दें कि एक एक लफ्ज़ के ऊपर गौर करेंगे इस आयत की। अरसिल हो माना गदन, बाबा इसे कल हमारे साथ भेज दीजिए, दुश्मन अपनी मनसूबाबंदी
कल से शुरू करता है, आज से शुरू नहीं करता। पहले से तैयारी करने वाला कुछ कर पाता है, जिसकी तैयारी जितनी पुरानी होगी। गदन कल जाने की बात कर रहे हैं, आज तैयारी कर रहे हैं कल के लिए। और ये आज ही हम इस वाक़े के अंदर नहीं पढ़ रहे कि दुश्मन तैयारी पहले से करता है, बल्कि अगर हम आलमी सतह के आज दुश्मनों को सोचें तो वो भी कल से तैयारी कर चुके हैं हमारे आज के लिए। वो 100 साल का सोचते हैं कि हमें 100 साल तक मुसलमानों के साथ क्या करना है, या मसलन एक मुल्क दूसरे मुल्क के साथ क्या करेगा। यहां पर अगर मंसूबा बंदी उस दिन की भी ना हो जिस दिन काम अंजाम दिया जा रहा है, तो कैसे कामयाबी मुमकिन है। इसलिए कि कायदा यह है कि जिस रस्ते से शर आए उसी रस्ते से खैर आना चाहिए, तब तो मुकाबला हो पाएगा। अगर खैर किसी और रस्ते से आए और शर किसी और रस्ते से आए तो मुकाबला नहीं हो पाएगा। दुश्मन बहुत पहले से तैयारी करता है, और जितना पहले से किसी चीज की तैयारी की जाएगी इतनी चीज अच्छी हो पाएगी। आप इसी अशरह तफसीर कुरान को ले लीजिए। अगर कल पहली मजलिस थी, परसों से इसकी तैयारी होती, तो क्या इतने अच्छा एहतमाम हो पाता? यकीनन नहीं हो पाता। जितना पहले से इसकी तैयारी की जाएगी, जितना दावत देना, इश्तहार लगाना, ऐलान करना, लोगों को आगाह करना, इसके इंतजाम करना, जितना इसको हम माजी में ले जाएंगे इसकी तैयारी को, इतना ही नतीजा अच्छा निकलेगा। अल्लाह ने नबी मुकर्रम को, हमारे नबी को, खातमुल अंबिया को सबसे पहले बनाया था, मगर भेजने के लिए 1,23,999 पैगंबरों का मुकदमा बनाया है। सलवात हदिया करें मोहम्मद व आलम। जितना अच्छा मुकदमा बना है, जितनी अच्छी तैयारी हुई है, इतना ही अच्छा नतीजा भी निकला है। लिहाजा तैयारी बहुत पहले से करने की जरूरत है, बहुत एहतमाम की जरूरत है, बहुत ही तवज्जो की जरूरत है। और ये कुरान की इस आयत से हमें समझ में आ रहा है, अरसिल हो माना गदन। ये लफ्ज तो खास तौर पर शिया बिरादरी तो गदन का लफ्ज तो बहुत अच्छा जानती है। लाउतियन्ना रायतन गदन रजुलन कर्रारन गैरा फर्रारन, कल मैं अलम उसे दूंगा। ये गदन यानी कल। सलवात और पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो ये एक पैगाम है ईसा करीमा का कि दुश्मन तैयारी पहले से करता है। दूसरा पैगाम ईसा करीमा का ये है कि हजरत यूसुफ के भाइयों ने कौन सा तरीका अपनाया जिससे अपने बाबा को तैयार कर लें। कौन सा तरीका है कि जिस पर हजरत याकूब को ये तैयार कर पाए, आमादा कर सके कि हजरत यूसुफ इनके हवाले कर दें। जो तरीका उन्होंने अपनाया और जिस पे हजरत याकूब तैयार हो गए, आज भी उसी तरीके पे बच्चों को अगवा किया जाता है। जो तरीका हजारों साल पहले यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने अपनाया, वही तरीका आज भी है, और आज भी उसी तरीके से बच्चों के ऊपर काम हो रहा है, बच्चों के ऊपर तवज्जो हो रही है, बच्चों को आपसे लिया जाता है, उसी नुक्ते पर आप बच्चों को किसी के हवाले करते हैं। वही नुक्ते, वही दो नुक्ते हैं जो इस आयत इसमें और पिछली आयत में बयान हुए हैं कि जिस पे आज लोग अपने बच्चों को स्कूलों के हवाले करते हैं, तालीमी इदारों के हवाले करते हैं, वो कौन से दो नुक्ते हैं, वो कौन से दो जज्बे हैं जिसके तहत हम अपना बच्चा किसी और के हवाले कर देते हैं जी। एक तो खैर ख्वाही लनासहून, और एक हिफाजत लहाफिजून। अगर हमें ये यकीन हो कि ये स्कूल हमारे बच्चे का खैर ख्वाह है तो हम उसी में दाखिल करते हैं, और हमें ये मालूम हो कि इस स्कूल में हमारा बच्चा महफूज रहेगा तो हम उसी स्कूल में दाखिल करवाते हैं। स्कूल तो मैं मिसाल दे रहा हूं, आप इसको बढ़ाते चले जाइए और मिसालों के साथ भी कि कहां कहां हम अपनी चीज को किसी और के हवाले कर सकते हैं। दो चीजों की बुनियाद पर, एक खैर ख्वाही की बुनियाद पर और एक हिफाजत की बुनियाद पर, जिसके बारे में हमें पता हो कि ये हमसे मुखलिस है, हम उसके हवाले अपनी चीज कर देते हैं। जिसके बारे में हमें पता हो कि ये हमारी चीज की हिफाजत करेगा, हम अपनी चीज उसके हवाले कर देते हैं। यही वो दो नुक्ते आज भी हैं जो हजरत यूसुफ के भाइयों ने हजरत याकूब से यूसुफ लेते हुए बयान किए।
खैरख्वा लनासिहून, हम उसके खैरख्वा हैं, लहाफिजून हम उसके मुहाफिज हैं, उसको कुछ भी नहीं होगा। ये दो दो पॉइंट, दो नुक्ते, दो उनवान, दो एजेंडे, दो ऐलान, दो नारे हैं जिसकी बुनियाद पर एतमाद किया जाता है, एक खैरख्वाही और एक हिफाजत। मगर खैरख्वाही को और हिफाजत को अगर बदनाम कर दिया जाए, यानी नारा लगाया जाए खैरख्वाही का और हिफाजत का, और फिर बच्चे को लेने के बाद, बच्चे को या किसी को अपने पास लेने के बाद उसके साथ धोखा हो जाए, उसके साथ फरेब हो जाए, तो फिर क्या मंजर बनेगा? इंसान इसके अलावा और क्या कर सकता है? हम इसके अलावा कौन से उसूलों को ढूंढें कि जिसकी बुनियाद पर हम अपनी चीज किसी के हवाले करें? यही तो दो उसूल हैं। यानी आज जिन दो उसूलों की बुनियाद पर आप कारोबार, आप नौकरी, आप सियासत, आप तालीमी दुनिया, हर मैदान में आप जाएं, इन्हीं दो नुक्तों की बुनियाद पर, यही दो नुक्ते, यही दो सुतून हैं जिनकी बुनियाद पर इमारतें खड़ी होती हैं, एतमाद की इमारतें खड़ी होती हैं, यकीन की इमारतें खड़ी होती हैं, और इन्हीं दो रस्तों से धोखा दिया जाता है। अब वो जो ये कह रहा है कि मैं इसका खैरख्वाह भी हूं, और जो ये कह रहा है कि मैं इसका हिफाज मुहाफिज भी हूं, एक सलवात और अदिया करें, चल रहा है, एक और सलवात नबी की पे, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। हमारी बहन मारूफ सियासतदान जनाब शहला रजा साहिबा और उनके शोहर भी तशरीफ फरमा हैं, आप सबकी हिफाजत के लिए और मसरूफ़ लोग जो टाइम निकाल के आप लोग तशरीफ़ ला रहे हैं, आप सब की तौफीकात खैर में इजाफे के लिए एक बुलंदतर सलावात पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आप इससे बुलंद सलावात पढ़ सकते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। यानी मैं अपने बात को दोबारा से एक लफ्ज में फिर तकरार करता हूं कि यही तो दो बातें हैं जिसकी बुनियाद पर हम एक दूसरे पर एतबार करते हैं। यानी आपको मेरे बारे में, मुझे आपके बारे में अगर ये पता हो कि मैं आपका खैर खां हूं, तो आप कैसे मुझ पर एतबार नहीं करेंगे? जब मुझे ये बताया जाए कि मैं आपकी चीज का लालची नहीं हूं, आपकी चीज महफूज रहेगी, आप महफूज रहेंगे, आपका माल मुझसे महफूज रहेगा, तो कैसे मैं आप पर एतबार नहीं करूंगा, आप मुझ पर एतबार नहीं करेंगे? वो कौन सी चीज है कि जो हमें इन दोनों के बावजूद महफूज रख सकती है? क्या करें? यानी अब आप हजरत याकूब की कैफियत को तो महसूस करें ना, हजरत याकूब न करते, ये न करते तो क्या करते? न भेजते अपने बच्चे को भाइयों के साथ तो क्या करते? और फिर हमें हुक्म यह है कि जवाहिर पर यकीन करो, जवाहिर के ऊपर एतबार करो। हम दिलों के हाल तो जानते नहीं है, हम अंदर की कैफियत को तो जानते नहीं है, हम नियतों को तो जानते नहीं हैं, नियतों को जानने वाला तो अल्लाह है, और अंबिया किराम इल्मे गैब पर उम्मत को लेके नहीं चलते। यानी उम्मत की रहनुमाई इल्मे गैब की बुनियाद पर अंबिया नहीं करते, उन्हें पता हो तब भी वो वही करेंगे कि जो सबको पता है। यानी सबकी मालूमात जिस पैमाने पर है, जिस मयार पर है, उसकी बुनियाद पर अंबिया फैसले लेते हैं, जबकि उन्हें पता होता है कि यह फैसला शायद, यह फैसला बाज़ोकात उन्हें पता होता है कि यह फैसला जाके आगे क्या नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन अगर उसकी बुनियाद पर वो फैसले लेने लगे तो फिर फितरियात से और जमा और तफरीक से और प्लस और माइनस से और इकदामात से माशरा कमजोर पड़ता चला जाएगा और लोग मोहताज होते चले जाएंगे उन हस्तियों के, जिस माना में मैं मोहताजी कह रहा हूं, कि फिर हमें उस गैबत के अयाम में भी फैसला लेने की सलाहियत बाकी नहीं रहेगी। कि जब मासूम हुज्जत खुदा गैबत में चला जाएगा तो फिर उम्मत फैसला लेने की सलाहियत नहीं रखेगी। तो दो और दो चार का जो कायदा कानून है और जो जमा और तफरीक का हमारे मामलात के अंदर कवायद हैं, उसी की बुनियाद पर अंबिया किराम फैसले भी लेते हैं। हजरत याकूब से भी यही दो नारे, यही दो बातें, यही दो बात कहकर हजरत याकूब से उनके बेटे को ले लिया गया। मगर इन दोनों बातों में, एक में तो उन्होंने कहा कि इन्ना लहू लनासिहून, हम इसके खैरख्वाह हैं, दूसरी जगह उन्होंने कहा इन्ना लहू लहाफिजून, हम उसके मुहाफिज हैं। इन दोनों बातों के दरमियान में जो बात आई है ना, वो है खेल तफरी, खेल और तफरी। बच्चा फितरी तौर पर खेल को पसंद करता है,
तफरीह को बच्चा पसंद करता है, अगरचे बाज बड़े होकर भी बचपने के मिजाज से बाहर नहीं जाते और उन्हें भी खेल और तफरी ही पसंद होती है। लेकिन जब खेल और तफरी की बात आएगी तो इंसान फितरी तौर पर, चाहे वो 100 साल का हो जाए, उसके अंदर एक बच्चा पोशीदा है, उसके अंदर एक बच्चा मौजूद है। वो जो उसके अंदर बचपने की के जो उसने जो यादें हैं, जो उसकी वाबस्तगियां रही हैं, जो उसका ताल्लुक रहा है, अभी यहां तशरीफ फरमा दोस्तों में जो क्रिकेट का खिलाड़ी रहा होगा, वो चाहे 80 साल का हो गया हो, अभी उसके सामने जिक्र करके देखिए आप, सबसे अच्छा खुश और हशाश चेहरा वही नजर आएगा कि जो अगरचे आज बैट उठा ना पाए, लेकिन क्योंकि वो खेला है तो उसकी यादें उससे जुड़ी हुई हैं। तो वो जो उसके अंदर खेल और कूद का एक कैफियत पाई गई है, मौजूद है, वो उससे वो रागिब रहता है। एक सलवात और पढ़े मोहम्मद आलिमा, ये जो खेलने का एक कैफियत है ना, खेल कूद की कैफियत है, ये बच्चे को जज्ब करती है अपनी तरफ, बच्चे को जल्ब करती है अपनी तरफ। कल का बच्चा स्कूल जाता था तो रोता पीटता जाता था, आज का बच्चा स्कूल ना जाए तो रोता है। स्कूल बदला है या बच्चा? वो कल का बच्चा जो दवात कलम तख्ती सलेट चाक है कलम बस्ता वो चीजें उठाकर और तख्ती को जो है वो मुल्तानी से पोत कर वो जो स्कूल ले जा रहा होता था, तो वो बच्चा जो रोता पीटता जाता था, और आज का बच्चा क्यों ऐसा नहीं करता? क्योंकि आज के बच्चे को स्कूल के अंदर उसकी उसके मिजाज के मुताबिक संभाला गया है। आज कोई स्कूल ऐसा नहीं है जिसमें खिलौने ना हो। आप जरा 70 साल पुराने स्कूल में चले जाइए, अगर 70 साल पुराने स्कूल में कोई खिलौना होता था तो माँ बाप आकर उस्ताद से कहते थे, आपने स्कूल में खिलौना क्यों रखा हुआ है? हमारे बच्चा यहाँ खेलने आ रहा है या पढ़ने आ रहा है? यानी उस वक्त के माँ बाप ही असातिज़ा की मजम्मत करते अगर उस जमाने में खिलौने होते स्कूल में, और आज अगर स्कूल में खिलौने नहीं होंगे तो फिर कहा जाएगा ये कैसा स्कूल है, इसमें तो खिलौने ही नहीं है। तो फिर स्कूल बदल गया ना, बच्चा नहीं बदला। और बच्चा फितरी तौर पर, कुरान मजीद की आयात है, सूरह मुबारक आराफ के अंदर तो एक हसीन आयत है इस मजमून को बयान करने के लिए, वालमु अन्नमल हयातु दुनिया लाइबुन व लहवुन व दीनतुन व तफाखुरुन बैनकुम व तकासुरुन फिल अमवाल वल औलाद। सलवात पढ़े मोहम्मद व आलिम। जान लो जिंदगी दुनिया की खेल कूद है, हुस्न आराइश है, माल और औलाद पे फख्र करना है। इस दुनिया की जिंदगी को अल्लाह ने तीन हिस्सों में तकसीम किया, खेल कूद, हुस्न आराइश और माल और औलाद पर फख्र करना। तो पहला मरहला इस दुनियावी जिंदगी का खेल कूद है, जिसे बचपना कहा जाता है। इसकी फितरत के अंदर तफरी है, बच्चे के मिजाज के अंदर तफरी है, लिहाजा आज स्कूलों के अंदर उसका एहतमाम किया गया है। ब्लॉक बने हुए होते हैं, शक्लें बनी हुई होती हैं, तस्वीरें बनी हुई होती हैं, अलिफ की, बे की, पे की, ते की, कार्टून बने हुए होते हैं हरूफ तहजी के और अल्फ़ाबेट के, और एक टोकरी में उन्हें डाल देते हैं, सामने एक चार्ट लगा देते हैं जुड़े हुए तस्वीरों के, और बच्चों से कहते हैं इसमें ढूंढो, इसमें से निकालो। अब बच्चा ढूंढ रहा है, उसको देख रहा है, ए इसमें से निकाल लिया, बी इसमें से निकाल लिया, उसे देख देख के वो जोड़ रहा है, जैसे वहाँ बोर्ड पर लगा हुआ है, जैसे वहाँ दीवार पर चार्ट चिपका हुआ है, और वो समझ रहा है कि मैं खेल रहा हूँ, जबकि उसका धोखा हो रहा है, उसे पढ़ाया जा रहा है। वो खेल खेल के अंदर पढ़ गया जी, क्योंकि उसका मिजाज यही था, वो जल्दी इस काम को कर रहा है, जल्दी सीख रहा है इन चीज़ों को। ऐसा ही है ये जो खेल कूद के जरिए से, ये जो तफरी के जरिए से भाई भाई को ले गए, तो आज भी कुछ भाई हमारे भाइयों को ले जा रहे हैं। सबसे ज्यादा जिन चीजों के जरिए से बिगाड़ माशरे में आ सकता है, मैं बहुत मोहतात बोलने की कोशिश करूंगा, तबीयत भी मेरी ऐसी है, नहीं वो मोहतात बोलने की तबीयत है, तबीयत खराब नहीं है जी। आज भी जिस जरिए से हमारे बच्चों के ऊपर काम हो रहा है वो खेल है, तफरी है, वर्जिश है, तरह तरह के गेम्स आ रहे हैं, तरह तरह के खेल आ रहे हैं। कुछ दिन पहले तक हाथों में कोई चीज देकर खिलाया जाता था, अब वो हाथों में बटन दे के खिलाया जा रहा है, लैपटॉप के ऊपर जी, तरह तरह के आज चीज़ें आ गई हैं जिसपे वो बैठा हुआ घंटों खेल रहा है, सारा सारा दिन उसको थकन महसूस नहीं होती, जैसे कल कबूतरबाजों को थकन महसूस नहीं होती थी, आज मोबाइल बाजों को थकन महसूस नहीं होती।
वो मोबाइल में लगा हुआ है, छोटा सा बच्चा, इतना सा बच्चा, वो 2 साल का, 4 साल का, 6 साल का बच्चा मोबाइल पर घंटों से बैठा हुआ है। अब्बा ने आके घर के अंदर सलाम भी किया, ये बच्चा भी सलाम का जवाब भी नहीं दे रहा, इसलिए कि अब्बा से ज्यादा अजीज है वो मोबाइल के अंदर गेम। कोई एहतराम नहीं, कोई तहजीब नहीं, कोई अदब नहीं कि वो खड़े होकर आगे बढ़कर सलाम करे, दुआ ले। मैं उमूमी बात कर रहा हूं, आपके घर की बात नहीं कर रहा। एक सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। खफा नहीं होइएगा, जो बात है वो अर्ज कर रहा हूं। ऐसा माशरे में अबरार भाई, शबर भाई, जो कैफियत इस वक्त बनी हुई है, और आज 1400 साल पहले जो कुरान ने हमें उसूल दिया, आज भी बच्चों के साथ वही कुछ हो रहा है। नौजवान नस्ल को मुनहरफ किया जा रहा है, और किसके जरिए से? इन्हीं 2 बातों के जरिए से, कि हम आपके बच्चों को जो है वो इसके जरिए खिलाना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, तालीम देना चाहते हैं। हम उसके खैरख्वाह भी हैं, हम उसके मुहाफिज भी हैं, और आप देखिए कि क्या क्या इस वक्त होता चला जा रहा है। तो यहाँ हमें क्या करें, यानी हाथ पर हाथ रख के बैठ जाएं, यानी हम हार मान जाएं, हथियार फेंक दें, मजबूर हो जाएं और कह दें कि हम हार गए और इस्तेमार जीत गया, हम हार गए और दुश्मन जीत गया, हम हार गए और आलमी साजिशकार ताकतें, इस्तेमार जो है वो जीत गया, क्या करें? नहीं, हार नहीं मानना। मैंने एक जुमला कहा कि जिस रास्ते से शर आए उसी रास्ते से खैर आएगा, तो फिर मसले का जवाब बनेगा। जो है मेरी आवाज आप तक जा रही है, मैं फिर दोबारा एक जुमले को तकरार करूंगा, वो ये कि अगर हमने ये जान लिया, समझ लिया कि एक रास्ता इस्तेमार का, दुश्मन का, मुखालिफ का ये है कि वो इस रास्ते से वहां दूर है चल रहा है। एक और सलवात पढ़ो, इस रास्ते से दुश्मन वारिद हो रहा है, काम कर रहा है, हमला कर रहा है, साजिश कर रहा है, तो और ये साल ये मुसल्लम है, ऐसा ही है, दुनिया जहान में ऐसा ही है, तो क्या हम हार मान जाएं, हथियार फेंक दें, शिकस्त का ऐलान कर दें और कहें बस अब तो जवाल का वक्त है, अब तो मसलन हम सब जो है वो ख़त्म होने वाले हैं, अब हमारा कोई नज़रिया बाकी नहीं रहेगा, अब हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, या नहीं है? वो सारे काम जो दुश्मन कर रहा है वो हम अपने हाथ में क्यों नहीं ले रहे? यानी जिन रस्तों से दुश्मन हमारे ऊपर और हमारी नस्लों पर हमला कर रहा है, बात मैं मजमून पर कर रहा हूं, हजरत याकूब के बेटे हजरत यूसुफ को कैसे लेकर चले गए भाई और ले जाके फेंक दिया और इतनी मुद्दत तक बाप से दूर कर दिया, इतनी मुद्दत तक बाप रोते रहे अपने बच्चे की जुदाई के। कितना बड़ा लम्हा हुआ, कितनी बड़ी तारीख की एक अजीब सी कैफियत गुजरी है एक नबी के ऊपर, एक खानवादे नबूवत के ऊपर। ले गए हजरत याकूब से उनके बच्चे को, छीन के ले गए, उनसे बहका कर ले गए, माजल्ला जिस माना में मैं कर रहा हूँ, यानी उनको जिस जो उन्वान देकर लेकर गए वो उन्वान तो आज भी है। तो क्या हम तवज्जो में तरफ है, तो क्या हम हार मान जाए, हाथ पर हाथ रख लें, या नहीं हमें कुछ और करना होगा? हमें वही रास्ता, यानी वालदेन अब वो काम अंजाम दें कि जो वालदेन के साथ दुश्मन अंजाम देता है, और वो क्या काम है? आपसे ज्यादा तो अपने बच्चे का कोई खैरख्वाह नहीं होगा, आपसे ज्यादा तो आपके बच्चे का कोई मुहाफिज नहीं होगा। एक सलवात और पढ़ें, भाई
भाइयों ने कहा कि हम खैरख्वाह हैं, भाइयों ने कहा कि हम मुहाफिज हैं, तो माँ बाप से ज़्यादा तो खैरख्वाह औलाद का कोई नहीं है। मुझे तौफीक हासिल हुई कि दो मरतबा हज़रत आयतुल सिस्तानी से खुसूसी मुलाकात मुझे नसीब हुई, और दोनों मरतबा जो उन्होंने मुझसे मुश्तरका एक बात की तकरार की, और वो बात ये थी जो एक बात की तकरार की, वो ये बात थी कि मुझसे फरमाने लगे ये बताएं कि एक पाकिस्तान में मदरसे कितने। मैंने उन्हें तादाद बता दी कि इतने मदरसे। कहने लगे स्कूल कितने, तो ज़ाहिर है जितने थे इतने ही बताता मैं, और मदरसों की इस वक्त वो स्कूल 25% हैं हमारे यहाँ, यानी जितने इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मदरसे हैं और बढ़ जाने चाहिए, मैं और मदरसों के बढ़ने का कायल हूँ। ज़रूरत बढ़ती जा रही है, बच्चे बढ़ रहे हैं, तादाद बढ़ रही है, पढ़ने वाले बढ़ रहे हैं, तो इदारे भी तो बढ़ने चाहिए ना। ये बात कहना अच्छा नहीं है कि साहब पहले दो मदरसे हैं तो अब तीसरा क्यों बन रहा है, नहीं चौथा भी बने, पाँचवा भी बने, क्योंकि पढ़ने वाले बढ़ते जा रहे हैं, तो मदरसे तो बढ़ने चाहिए, उसमें कोई ऐब नहीं है। लेकिन मुझे फरमाने लगे कि स्कूल कितने हैं आपके पास, मुसा भाई आप अपने ऊपर असर नहीं लें, ये तो हम सबको पता है पाकिस्तान है, तो यहाँ तो इदारे बर्क की बर्क रेजियां कोई नई बात तो नहीं है। एक सलवात और पढ़े मोहम्मद आप बिल्कुल खफा नहीं हो कि हम आपसे कोई नाराज नहीं होगा, ये आपके हाथ में ही नहीं है, मगर बहुत अच्छा कर रहे हैं। हाँ चल रहा है, चल रहा है। फरमाने लगे कि पाकिस्तान में स्कूल कितने हैं, मैंने जितने थे इतने बता दिए, यानी तकरीबन 500 मदरसे थे, और स्कूल उस वक्त जब मैंने पिछली आखिरी मुलाकात में बताया तो 150 थे पूरे पाकिस्तान में। जो आपने कौम ने मिल्लत ने अपने बच्चों के लिए स्कूल बनाए वो 150 हैं। ये बात मैं तकरीबन दो साल पुरानी कर रहा हूँ, तो मदरसे 500 और आज 500 से थोड़े से ज़्यादा भी हैं दो सालों के अंदर, और स्कूल हमारे पास 150। बहुत जोर लगाइए तो आप 165 कर लीजिए, 10 और बढ़ गए होंगे इन दो सालों में। तो उन्होंने फरमाया जितने मदरसे हैं इतने स्कूल बना के दिखाओ, क्या तुमने अपने बच्चों की तरबियत किसी और के हवाले की हुई है। फिर मेरे जहन में ये आ सकता था कि वो ये फरमा रहे हैं कि मदरसा बनाओ, तो उन्होंने उसकी इसलाह की, कहने लगे मैं स्कूल की बात कर रहा हूँ, वही मैट्रिक सिस्टम आपके यहाँ जो है, वही ओ लेवल और ए लेवल्स का सिस्टम जो आपके पास है वही रखिए, मगर खुद पढ़ाइए, अपने बच्चों से आपसे ज्यादा तो कोई खैर ख्वाह नहीं होगा, आपसे ज्यादा तो कोई उनकी हिफाजत नहीं करेगा। तो जिस रस्ते से, स्कूलों के रस्ते से, तफरी के रस्ते से, खेल कूद के रस्ते से दुश्मन वारिद हो रहा है, उसी रस्ते से आपको भी वारिद होना होगा। मुझे खुशी होती है, मैं मुबारकबाद पेश कर रहा हूं जमात इस्लामी के दोस्तों को, 2500 स्कूल हैं पूरे पाकिस्तान में उनके जी। हमारे मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाए, मुसलमानों के बड़े हैं, हमारे बड़े हैं, पाकिस्तान के बुजुर्ग उलमा में शुमार होता है उनका, उनके जनरेशन स्कूल जैसा उनका स्कूल है, टॉप 5 स्कूलों में से है जनरेशन स्कूल, जिसके निकले हुए बच्चे डायरेक्ट किसी बड़ी ओहदे पर, किसी उस मनसब पर जाके फायदे, बेस ऐसी मजबूत बनाते हैं वो जी, इतने मजबूत स्कूल। यानी एक आप ये साइड एरिया का जनरेशन स्कूल देख के आ जाइए, जो कराची के अंदर एक ही स्कूल देख कर आ जाइए, पूरे पाकिस्तान के अंदर शियों के पास एक ऐसा स्कूल नहीं होगा, जो उनके हर बड़े शहर में ऐसे स्कूल हैं। मैं खुदा ना खास्ता, फिर मैं तकरार कर रहा हूँ, हमारे बड़े हैं और अच्छा किया है खुद, और ये भी आपको सुन के खुशी होगी कि उस स्कूल में किसी शिया के दाखिले पर पाबंदी नहीं है, वो शियों को भी दाखिला देते हैं, शिया बच्चों को भी दाखिला देते हैं, मगर वो जो शिया बच्चा भी उसके अंदर जाएगा तो बहरहाल वो मौलाना तारिक जमील का मुरीद बन के निकलेगा, बहरहाल वो मौलाना तकी उस्मानी साहब का मुरीद बन के निकलेगा। बहुत अच्छी बात है। एक सलवात पढ़े जरा मोहम्मद व आले मोहम्मद। जी तवज्जो आपसे थोड़ी सी और चाहूंगा। हमने क्या किया भाई, हमने क्या किया, 10 यूनिवर्सिटियां हैं इस वक्त फलां शख्सियत की, 5 यूनिवर्सिटियां हैं फलां शख्सियत की, 8 यूनिवर्सिटियां हैं फलां शख्सियत की, 5 मेडिकल कॉलेज हैं फलां शख्सियत के, 1 मेडिकल यूनिवर्सिटी है फलां शख्सियत की,
हमारी पूरी कौम ने कितने स्कूल बनाए, कितनी यूनिवर्सिटियां बनाई। मैं आपको कहकर अपने आप को कह रहा हूं, काम तो ये हम सब का है ना, मैं भी तो आप ही कैसे ऐसा हूं, मैं भी तो आप ही में से हूं ना। तो जिस रस्ते से, मजमून से हटा हुआ नहीं हूं, कोई ये नहीं सोचे मौलाना कहां बात ले आए, कुरान की आयत की तफसीर कर रहा हूं। कुरान की आयत में यह है कि भाइयों ने भाई को अगवा किया दो नारों के जरिए, खैर ख्वाही और हिफाजत, और उनवान यह था कि खेलने जा रहे हैं। यही सब कुछ तो हो रहा है। आज हम अपने बच्चों को इन इदारों के हवाले करते हैं खैर ख्वाही के एतमाद पर के खैर ख्वाह हैं, हिफाजत करेंगे हमारे बच्चों की। और अल्हम्दुलिल्लाह, मैं किसी के फिर तकरार कर रहा हूं कि कोई और मतलब ना निकल जाए, कोई क्लिप ना बना ले और क्लिप ना काट दे के मैं ये कह रहा था, मैं जो कह रहा हूं वही कह रहा हूं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मोहतात बोला हूं। ये काम खुद करें वालदैन, अपने बच्चे की हिफाजत खुद करें, अपने बच्चे को खुद पढ़ाएं, और अल्हम्दुलिल्लाह पहले से हम बेहतर हैं, पहले की नस्बत हम बेहतर हैं। अब से 20 साल पहले आप जाएं तो ये 150 स्कूल भी आपको नहीं मिलते। ये 20 सालों में, 15 सालों में, ये जो स्कूल मैंने तादाद बताई 125 स्कूलों की, ये भी अभी 15-20 सालों में हुआ है। इंसान फितरतन, जैसा कि मैंने अर्ज किया, तफरीह को पसंद करता है, तनव्वो को पसंद करता है, सजावट को पसंद करता है, लज्जत को पसंद करता है, जाजबियत और जालबियत को पसंद करता है। इंसान फितरी तौर पर खूबसूरती को और सजावट को पसंद करता है। चीज अगर दस्तरखान के ऊपर एक ही खाने लगा दें तो बहरहाल वो भी खाने हैं, सब खाए भी खा भी लेंगे, मगर अगर मुख्तलिफ रंगों के और मुख्तलिफ जायकों के खाने लगे हुए हों तो उस दस्तरखान को उस दस्तरखान से ज्यादा अच्छा समझा जाता है जिसपे अच्छे अच्छे खाने चुने हुए होते हैं। ये जो तफरी है हमारे, फरहत, राहत, तफरी, तस्कीन रूह, तस्कीन नफ्स, ये इंसान की फितरी मसला है। लिहाजा हदीस मुबारका में आया, कुल लाइबिन हरामुन इल्ला सलासतुन, हर खेल हराम है सिवाय तीन खेलों के। लाइबुर रजुल बिकौसे ही व फरसे ही व अहले ही। एक और हदीस में आया, लैब रजुल बेकौसे ही व फरस ही व बिमाए ही। इस मजमून का पैगाम आया, हर खेल हराम है, हर तफरी, हर खेल, खेल लैब, लैब खेल, तफरी नहीं लफ्ज नहीं, लैब खेल, हर खेल हराम है सिवाय तीन खेलों के। कौन कौन से? तीरंदाजी, घोड़सवारी और तैराकी। एक हदीस में आया, तीरंदाजी, घोड़सवारी और बच्चों के साथ खुशी मनाना, फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ तफरी करना, मिजाह करना, अपनी फैमिली के साथ पुर मिजाह रहना, ये खुद खेल है जो हराम नहीं है, हलाल है। अच्छा, आप इन तीनों को अगर लें कि तीरंदाजी, घोड़सवारी, तैराकी, तो इन तीनों खेलों में जो चीज एक मुश्तरक है, उस मुश्तरक नुक्ते को इज्तहाद करते हुए फुकाहा ने क्रिकेट को, हॉकी को, जी फुटबॉल को, अब मेरे मुझे खेलों के नाम नहीं आते जी, और बहुत सारे खेलों को हलाल करार दिया है इज्तहाद करते हुए, क्योंकि हदीस में वो नाम नहीं आया, क्रिकेट का नाम नहीं है हदीस में। अब ये तो बताएंगे क्रिकेट का जौक रखने वाले के सबसे पहले ये खेल कहां से शुरू हुआ, कब शुरू हुआ, मगर हदीस में क्रिकेट का नाम नहीं है, हदीस में हॉकी का नाम नहीं है, फुटबॉल का नाम नहीं है, हदीस में ये तीन नाम आए हैं। आप उकता तो नहीं रहे मेरी बातों से? हदीस में ये तीन नाम आए, तीरंदाजी, तैराकी और घोड़सवारी, और कहा कि इन तीनों के अलावा सारे खेल हराम। तो क्या मतलब, क्रिकेट हराम, हॉकी हराम, फुटबॉल हराम, और आप नाम लेते चले जाइए। इन सारे खेलों को आज फुकहा ने जो हराम हलाल करार दिया है, जायज है खेलना, वो कहां से? वो इज्तहाद किया है इसी तरह की अहादीस से, क्योंकि इन तीनों खेलों का एक इश्तराकी कैफियत है और वह है मुसाबका और मुकाबला। हर वो खेल जिसमें मुकाबला हो, मुकाबला इंसान की सलाहियतों में इजाफा करता है, मुकाबला इंसान की तवानाइयों में इजाफा करता है, मुकाबला इंसान की जहनी सलाहियतों में भी इजाफा करता है। तो हर वो खेल जो जिसमें मुकाबला पाया जाता हो वह शरई तौर पर हलाल है। लिहाजा ये सारे खेल जो मैंने अभी नाम लिए, कुछ जो आज जदीद खेल हैं,
ना जाने आगे का कौन कौन से खेल खेले जाएंगे, वो सारे खेल हलाल हो जाएंगे इसलिए कि उनमें मुकाबला पाया जाता है। जहां जहां मुकाबला होगा वहां इंसान की बदन की और जहनी सलाहियतों में इजाफा होगा, और जहां बदन और जहनी सलाहियतों में इजाफा हो जाए इस्लाम उसे पसंद करता है। अब ये जो खेल और तफरी है इसका एक और पहलू भी तो है, और वो है इंसान एक और बड़े मकसद के लिए तैयार हो, इस तफरी के जरिए एक और इसको जरिया करार दे, इसे मुकदमा करार दे, इसे वास्ता करार दे एक और किसी मकसद के लिए, जिसके बारे में मौला कायनात मौला अली अलैहिस्सलाम ने दुआए कुमैल में इरशाद फरमाया, कव्वे अला खिदमते का जवारही, या अल्लाह मेरे बदन को मजबूत बना ताकि मैं तेरी इबादत अच्छी कर सकूं। अब अगर ये सारे खेल इसलिए खेले जाएं कि हमारा बदन मजबूत हो जाए, तो जब बदन मजबूत हो जाएगा तो सारी रात के कयाम में थकन नहीं होगी, दो घंटे के रुकू में थकन नहीं होगी, एक घंटे के सजदे में थकन नहीं होगी, इसलिए कि पहले ये जो थकन वाली कैफियत दूर कर दी है हमारी वर्जिश ने, हमारे खेल ने, हमारी उस तफरी ने, जो हम मैदान में जाके क्रिकेट खेल कर आए, वो जो हम मैदान में हॉकी खेल कर आए, उससे जो हमारा बदन मजबूत हुआ तो अब रात को अल्लाह का सजदा करने में भी थकन महसूस नहीं हो रही, इसलिए कि बदन पहले से मजबूत है। जंगे तबूक से वापसी पर सब अपनी अपनी सवारियों पर सवार थे, सरकार दो जहां की सालारी सरदारी में आपकी नजारत में आपकी इमामत और आपकी रहनुमाई में काफिला जारी था, मुसलमानों का काफिला, मुजाहिदों का, जंग जीत कर आ रहे हैं, सब ऊंटों पर और नाकों पर सवार थे, कुछ घोड़ों पर सवार थे, तो सफर क्योंकि तवील था तो घोड़े ऊंट भागने लगे, तेज चलने लगे, तो एक साहबी मोहतरम अपना घोड़ा दौड़ाता हुआ आया और नबी मुकर्रम को आवाज देकर कहा, या रसूल अल्लाह रेस ना लगाएं। हजरत ने कबूल फरमा लिया, उसने कहा हम रेस लगाएं, ये सारा काफिला जो अपनी अपनी सवारियों पर रेस लगाएं, हजरत ने फरमाया कबूल फरमा लिया, हजरत ने फरमाया रेस लगाओ, क्या या रसूल्लाह फिर आप अपनी सवारी जरा अलहदा कर लें ताकि हम रेस लगाएं, फरमाया मैं भी शरीक रहूंगा। सरकार अपने नाके पे जिसका नाम गजबा लिखा है, जिस नाके पे सवार थे, नबी की सवारियों के नाम है मुख्तलिफ नाम, खुद नबी ने अपनी सवारियों के नाम रखे थे, उनमें एक सवारी आपकी, एक ऊंटनी, एक नाका जिसका नाम गजबा, आप उस गजबा पे सवार थे, और उसामा बिन जैद अपना और वो घोड़ा दौड़ाते, वो भी नाके पे सवार थे, वो अपनी नाका दौड़ाते हुए नबी के सवारी के करीब आए और कहा या रसूल अल्लाह मैं और आप रेस लगाएं, हजरत ने कबूल फरमा लिया। अब दोनों की सवारियां दौड़ रही हैं कि उसामा की सवारी कुछ आगे निकलने लगी, तो लोगों ने आवाज दी कि रुको नबी से आगे कैसे निकल रहे हो, तो हजरत ने फरमाया कि ये मुसाबका है, ये मुकाबला है, ये तफरी है, ये एक फरहत जहनो दिमाग के लिए किया जा रहा है, लिहाजा उसामा की सवारी आगे निकल रही है तो मैं ऐलान कर रहा हूं कि उसामा मुझसे नहीं जीता है, उसामा की सवारी मेरी सवारी से जीती है। वो आदब और एहतराम भी महफूज रहे और हौसला अफजाई भी करें ऐसे कामों की। लिहाजा हमें अपने बच्चों की हिफाजत के लिए एहतमाम करना होगा और दुश्मन के रस्तों से आशना होना होगा, ख़ास तौर पर हमारी आइंदा नस्ल अगर महफूज हम उसे रखना चाहते हैं तो उनकी तालीमी निज़ाम को अपने हाथ में लेना होगा ताकि हम अपने बच्चों को महफूज रख सकें, मुस्तकबिल उनका बेहतर कर सकें। अल्लाह हमें इन बातों पे अमल की तौफीक अता फरमाए। गुजारिश करूँगा कि सवालात का दौरानिया बहुत ज़्यादा देर नहीं करते हम, ज़्यादा नहीं लंबा दौरानिया नहीं है, चंद सवालात लेंगे तो माइक ले आइएगा बेटे, जो मोमिन सवाल करना चाहे वो हाथ अपना। जी बेटा नाम बताइए अपना। हसनैन। खड़े हो जी। जी हसनैन आगा, आपने अभी खेल के मुतालिक फरमाया कि जो भी खेल जहनी और जिस्मानी वर्जिश को मतलब बढ़ाए तो वो जायज़ है, तो फिर शतरंज जो खेल है
उसको हराम करार क्यों कहा है? क्योंकि उसमें भी तो ज़हनी वर्जिश का मतलब बढ़ाने की बात हुई है। अगर हो गया सवाल जी, और एक और कल एक और सवाल ये था कि नबी मुकर्रम को आपने कल फरमाया जैसे कि नूरी और बशरी मतलब खिलकत का जो बयान हुआ है, तो उस हवाले से ये है कि कुछ नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक कहते हैं कि नबी हम जैसे थे, तो मतलब वो दलील उसको लेते हैं और हम नूर के खाइल हैं, तो इस बारे में अकीदा क्या रखना चाहिए कि नबी नूरी हैं या बशरी हैं? हम लफ व नशर गैर मुरतब के हिसाब से दूसरे सवाल का जवाब पहले देते हैं। हमारा अकीदा यह है कि नबी नूरी बशर हैं, यानी आपके अंदर जो अल्लाह ने अपने नूर से आपको खल्क किया तो ये आपकी असालत है, यह आपकी असास है, यह आपकी का असली और हकीकी वजूद है जिसको नूर कहा जाता है। और तकाज़ाए बशरी और तकाज़ाए हिदायत और बशर की हिदायत और माशरे और समाज की बेहतरी और तरक्की के लिए और हिदायत के लिए अल्लाह ने सरकार को एक बशर और एक मादे के पैकर में, एक इंसान के पैकर में, एक बशर के पैकर में ढाला। लेकिन वो जो बदन मुबारक आपका बनाया गया जिसमें बज़ाहिर ऐसे ही दो आँखें थीं, ऐसे ही दो हाथ पैर थे, ऐसे ही दो कान थे, ऐसे ही आपके सर मुबारक पर बाल थे, आपके रेशे मुबारक दाढ़ी थी आपकी, मसलन आपके हाथ का अंदाज़ ऐसा ही था, वो भी वैसा ही नहीं था, उसके अंदर भी अल्लाह ने इंतहाए कमाल को करार दिया, यानी आपके बदन मुबारक के अपने मौजज़े करार दिए, आपके आँखों से निकलने वाली रुतूबत आंसुओं का मौजज़ा, आपके लुआबे दहन का मौजज़ा, आपके पलकों का, आपके बालों के मौजज़े, आपके नाखूनों के मौजज़े, आपके बदन मुबारक जिस जगह साया उसका, यानी जिस जगह आप जाके खड़े होते थे और उसके उसमें साये में होता था वो बदन, खुद हज़रत का साया नहीं था लेकिन जिस जो जगह आपके साये में होती थी उस जगह के ऊपर बरकतें होना शुरू हो जाती थी। आप कड़वे कुएँ के अंदर अगर अपना लुआब आपने डाला तो उसे पानी मीठा हो गया, अपना पैर डाला तो पैर पानी को छूने के लिए ऊपर आया और वो मीठा हो गया, और इस तरह के बहुत सारे वाक़ियात। तो आपका बदन भी हमारे बदन की तरह, तो हमारा अगर अकीदा नबी के बारे में पूछा जाएगा तो हम ये अकीदा रखते हैं कि नबी नूरी बशर थे, असालतन नूर और ज़ाहिर में बशर, मगर वो बशर जो नूरी बशर हो, खाकी बशर नहीं, नूरी बशर। पहला सवाल जो इससे पहले आपका सवाल था शतरंज और खेलों से मुतालिक, तो शतरंज को फुकहाए इमामिया का गालिब फतवा 99% फतवा उसके हराम होने का है, और जिसको कह लें फतवा बिल इजमा जो है, यानी इजमाई फतवा उसके हराम होने का है। सिर्फ और सिर्फ तारीख तशय्यों में एक फकीह, और वो फकीह भी पहाड़ की तरह फकीह, हज़रत आयतुल्ला रूहुल्ला अलमूसवी अल इमामुल खुमैनी, इतफाक़ से इमाम खुमैनी की यहाँ तस्वीर भी लगी हुई है, ये हज़ारों फुकहा में, बल्कि हज़ारों मुबालगा हो जाएगा सैकड़ों फुकहा में, ये वाहिद फ़कीह थे जिन्होंने शतरंज को हलाल करार दिया। और उन्होंने शतरंज को हलाल करार देने के लिए जो उनका मबना था, जो उनका जो उनकी फतवे की बेस थी, क्योंकि फतवा बग़ैर बेस के नहीं दिया जाता, बग़ैर मबना के नहीं दिया जाता, पहले उसकी एक बुनियाद बनाई जाती है, इल्मी बुनियाद होती है, उसकी बुनियाद पे फ़कीह फतवा देता है। हज़रत आयतुल्ला खुमैनी ने सिर्फ शतरंज को हलाल करार देने का फतवा इसी बुनियाद पे दिया कि शतरंज माजी में जिस काम के लिए इस्तेमाल होते था वो था पैसे का इस्तेमाल शर्त लगाने के लिए, और जुए के तौर पर शतरंज का इस्तेमाल होता था। अब क्योंकि शतरंज अपनी हैसियत से बाहर आ गया है और शतरंज अब इस काम के लिए इस्तेमाल नहीं होता बल्कि जहनी आजमाइश का एक खेल है और जहनी मुकाबले का एक खेल है, लिहाजा क्योंकि वो जब अपनी बुनियाद वो तब्दील कर चुका है, अपनी असास वो तब्दील कर चुका है, तो फिर उसका हुक्म भी तब्दील हो जाएगा। लेकिन दीगर फुकहा ने मेरे इल्म में नहीं है आयतुल्ला खुमैनी के अलावा कोई और फ़कीह, अगर आप में से किसी को बाद में खिताब सुन के वीडियो बन रही है दुनिया जहान में लोग सुन रहे होंगे तो मेरे इल्म में इजाफ़ा करें और फतवा भी मुझे भेजें, लेकिन जो जो बात है वो इतनी है। तो ये गुफ्तगू बहरहाल है, लेकिन हम क्योंकि पाबंद हैं एक्सपर्ट की राय पर अमल करने के, तो जो एक्सपर्ट हमारा एक्सपर्ट कहेगा हम उस पर अमल करेंगे। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावात जी, आप खड़े होइए।
अगर मेरा सवाल ये है, नाम अपना जरा। जी जाकिर रजा नाम है मेरा। अभी आपने कहा था कि जहाँ से शर आ रहा है जब तक वहाँ से खैर नहीं आया तो मसला हल नहीं होगा, ये समझ में नहीं आया कि जहाँ से शर आ रहा है वहाँ से खैर कैसे आएगा, ये थोड़ा सा। मैंने अर्ज़ किया कि ये एक कायदा है, एक तो अरबी का ये कायदा है कि जिस रस्ते से बुराई आ रही है ना उसी रस्ते से अगर आप अच्छाई को लेकर आएंगे तो काउंटर होगा। रास्ता बदल देंगे तो वो तो मैदान ही उसका नहीं है, वो उसका मौजू ही नहीं है, वो उसकी जगह ही नहीं है, वो मुकाबला ही आप नहीं कर पाएंगे। यानी जिस मैदान में खेला जा रहा है ना मनफी, उसी मैदान में मुसबत आप खेल के दिखाएंगे। जिस मैदान में गलत काम हो रहा है उसी के मैदान में आप अच्छा काम करेंगे तो उस गलत का काउंटर कर पाएंगे, वरना फिर वो रास्ता आपने बदल दिया, वो मैदान आपने बदल दिया तो उसका काउंटर नहीं होगा, उसका मुकाबला नहीं होगा जिसका आप मुकाबला करना चाह रहे हैं। जी मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। जी कोई और मोमिन सवाल करना चाहे तो जी इधर लाइएगा जरा। बेटा खड़े हो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तालिब है। किबला मेरा सवाल जो है वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी से मुतालिक है, ऑफ़िस के हवाले से। हमारे ऑफ़िस वगैरह में कुछ नॉन मुस्लिम मिसाल के तौर पे हिंदू हैं, कुछ अहले किताब हमारे साथ होते हैं, तो हम दोस्त यार उनके साथ आउटिंग भी कर रहे होते हैं, खाना पीना भी कर रहे होते हैं, तो उसके अंदर हमें अहले किताब के बारे में थोड़ा सा तो हमें नॉलेज है, पर जैसे हमारे हिंदू दोस्त हैं जो हमारे साथ होते हैं तो आए उनके साथ क्या एहतियात करें कि एक प्लेट में हम खा सकते हैं या एक गिलास उनके साथ यूज़ कर सकते हैं, या जैसे स्विमिंग पूल वगैरह हम यूज़ कर रहे होते हैं तो उसके अंदर कितनी एहतियात हमारे ऊपर ज़रूरी है उनके साथ, और इसी तरह अगर अहले किताब दूसरे हमारे साथ हैं क्या उनके साथ भी वो एहतियात ज़रूरी है जो हम उनके साथ करें, उसके अंदर क्या क्या शराइत हो सकती हैं कि एक प्लेट में खाना खा सकते हैं, उनका गिलास यूज़ कर सकता हूँ, उनकी बॉटल यूज़ कर सकता हूँ, तो ये हमारे ऑफिस वगैरह में काफ़ी दोस्त यार होते हैं उसके हवाले से ज़रा रहनुमाई फरमा। अहले किताब के बारे में तो आपको इल्म है कि जो आसमानी दीन के हामिल हैं, जो आसमानी अदियान को मानते हैं, उनको हम उनसे हम नजासात के हवाले से हम उन्हें मुसलमानों की तरह मानते हैं, मगर ये कि अगर कोई मुसलमानी भी एहतियात हो तो उससे भी एहतियात करनी चाहिए। यानी फिर गैर मुस्लिम ही क्या, अहले किताब ही क्या, कोई और ही क्या, अगर मुसलमान ही हमारा कोई अपना अजीज़ ही अगर एहतियात ना करता हो नजासत का तो हमें उससे भी एहतियात करनी चाहिए, तो फिर उससे भी करनी चाहिए जो एहतियात नहीं कर रहा। लेकिन अहले किताब के हम नजिस होने के कायल नहीं हैं। हिंदुओं के बारे में मैं आपसे बहुत ही वाज़े कहूँगा, और किसी हिंदू को खुश करने के लिए नहीं कहूँगा बल्कि जो हकीकत है वो बयान करने की कोशिश करूँगा। वो ये कि देखिए ज़ाती तौर पर इंसान नजिस नहीं है, ज़ाती तौर पर इंसान नजिस नहीं है, नजासत आर्जी होती है, आरज होती है, लगती है नजासत। नजासत कोई और चीज़ है, इंसान के ऊपर लगती है वो। हमारे बदन के ऊपर भी कोई खून का धब्बा लग सकता है, कोई बोलो बराज का कोई जो है धब्बा और छींच लग सकती है, तो वो जो आरज हुई है तो हमारा बदन भी नजिस है, हमारा हाथ भी नजिस है, हमारा बर्तन भी नजिस हो जाएगा क्योंकि नजिस नजासत आरज हुई है। तो इंसान के ऊपर ज़ाती तौर पर इंसान नजिस नहीं है, उस पर नजासत आरज होती है। अब क्योंकि हिंदू बिरादरी, अगर आप अब से 100 साल पीछे चले जाएं, आप से 50 साल पीछे चले जाएं, तो उनके यहाँ निजासतों और गलाजतों के हवाले से बे एहतियाती गालिब थी, गालिब थी बे एहतियाती, उनकी अलामत थी, उनकी निशानियाँ थीं, उनको पहचान लिया जाता था, उनके काम ऐसे थे, उनके पेशे ऐसे थे ज़्यादातर, तो वो आरज एक गालिब, अगर कहीं 100 लोग बैठे हैं और उसमें से 80 लोग एक मिजाज के हों तो हुक्म तो 80 के मुताबिक होगा, फिर बाद में 20 चीखते रह जाएं कि साहब हम भी थे उनमें, भाई तो आप थे तो आपके मुताबिक हुक्म नहीं लगेगा, आप थे आपको मुबारक हो आप वहाँ थे, लेकिन फैसला तो उन 80 के मुताबिक होगा। तो गालिब के मुताबिक ये फैसला हुआ फुकहा का। आज क्योंकि हिंदू तालीम की वजह से कहिए, शऊर की वजह से कहिए, आप कोई भी वजह कहिए, पैसे का और सहूलतों का और आसाइशों का इजाफा हुआ है उसकी वजह से कहिए, ज़ाहरी तौर पर नज़ाफ़त का कायल है हिंदू। तो बस अगर हम इस वाली तकसीम को जहन में रखें कि जहाँ नजासत आरिजी हो और नजासत ज़ाती ना हो, और जिसके ऊपर जिसके यहाँ एहतियात और जिसके यहाँ ख्याल और एहसास गालिब आ जाए, तो फिर उसके साथ बैठ के खाना तो वैसे ही कोई बुरी बात नहीं है, उसके हाथ से लेकर खाना भी बुरा नहीं होगा। लेकिन इस हुक्म के बाद क्या ही बेहतर है कि जिसके बारे में हमें
تردد ہو، شک ہو، تذبذب ہو، وہ چاہے ہمارا مسلمان بھائی ہی کیوں نہ ہو، اور کیا چاہے وہ ہندو اور عیسائی ہی کیوں نہ ہو، جس کے بارے میں ہمیں یہ تردد ہو، تذبذب ہو، یہ شک ہو کہ وہ طہارت اور نجاست کا خیال کرتا ہے یا نہیں. کیونکہ دیکھیے، ایک گلاس کے اندر اگر نجاست ڈلی ہوئی ہو اور میں اسے پاک سمجھ کر اور طاہر سمجھ کے پی لوں تو مجھ پر شرعی کوڑا تو نہیں لگے گا، مگر اس نجاست کا اثر تو میرے پر آئے گا. تھوڑی سی روشن مثال کہہ دیتا ہوں، شربت کہہ کر، شربت سمجھ کر اگر کوئی شراب پی لے جی، تو اسے کوڑا شرعی تو نہیں لگے گا، مگر کیا نشہ بھی نہیں چڑھے گا؟ نشہ تو اس کا فطری ہے نا، اس نجاست کا نشہ تو اس کا طبعی ہے اس نجاست کا. تو نجاستوں سے بچنا، اور پھر وہ لوگ کے جو نجاستوں کا، طہارتوں کا، جو اسلام نے ہمیں نعمت کے طور پر، اسلام ایک نعمت ہے، اسلام ایک شفا بخش دوا ہے مولا علی کے فرمان کے مطابق، اسلام نے جو ہمیں شرعی طور پر نجاستوں سے آگاہ کیا، اور وہ دوسرے کوئی اگر آگاہ نہیں ہے کیونکہ وہ اس اسکول میں نہیں پڑھتے جسے اسلام کہتے ہیں، تو ہمیں احتیاط کرنے میں کیا عیب ہے؟ تو میری گزارش، اچھا جہاں تک تالاب کا ہے، سوئمنگ پول کا مسئلہ ہے، اس میں پانی اتنا وسیع ہے کہ اس کے اندر تو کوئی ایشو نہیں بنتا، نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر آپ ایک ہی تالاب کے اندر مختلف لوگ اس طرح کے نہا رہے ہوں تو اس سے کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ پانی بہت وسیع ہے، کور سے دسیوں برابر زیادہ ہے. تو اور کور یعنی تین جو اس کا مقدار ہے کور کا، اگر اتنا ہو اور اس کے اندر نجاست بھی چلی جائے اور وہ اپنی کیفیتیں تبدیل نہ کرے، جو ہمیں سب کو ہی بچپن میں پڑھایا گیا تھا، وہ پرانا قصہ دہرا رہا ہوں کہ رنگ بو اور مزہ اس کا نہ بدلے، اور کور کا پانی ہو تو وہ بھی نجس نہیں ہوتا. لیکن اگر تالاب ہے بہت بڑا جس میں لوگ سوئمنگ کر رہے ہیں، تو وہاں تو بدرجہ اولا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. طویل جواب ہو گیا، اس کی معذرت چاہتا ہوں. یہ آج کا آخری سوال ہے، ایک لیڈیز ہیں. اچھا یہ جو جنہوں نے سوال کیا ہے، میں ان سے کہتا ہوں کہ بھائی ماشاء اللہ بہت سمجھدار ہیں آپ. آپ سال بھر جس پیسے سے خرید کر گندم یا چاول کھاتے ہیں، اسی کا آپ حساب کریں گے. یہ جو 450 روپے ہم نے پاکستان میں احتیاطاً گندم کا فطرہ، تقریباً یہ بنتا ہے 425 روپے کے قریب، جو آج کل مہنگائی ہے، تو یہ 20-25 روپے ہم نے احتیاطاً زیادہ بتایا. تو یہ جو گندم کھانے والوں کے لیے، غالب غذا جن کی گندم ہے ان کے لیے یہ جو فطرے کی رقم ہے، یہ پاکستان کے لیے ہے، باہر والے اپنے حساب سے فطرہ دیں گے. یا اللہ جی، پتہ نہیں وہ پونڈ میں رہ رہے ہیں، وہ کھا رہے ہیں پی رہے ہیں یا ڈالر میں کھا رہے ہیں. ایک لے لیں آخری سوال، اگر ہے خواتین جی. السلام علیکم. فطرہ جن کے پاس اپنی ضروریات پورا کرنے کے لیے رقم نہیں ہے، انہی کو فطرہ دیا جائے گا. جن ضروریات میں صحت بھی ہے، کھانا اور غذائیں بھی ہیں، اور تعلیم بھی ہے. تو آپ کا کام اور میرا کام ہے ضرورت مند کو، ایسے ضرورت مند کو جس کے پاس وسائل نہیں ہیں، ہم اسے فطرہ دے دیں. اب وہ اپنی ضرورت کا انتخاب اور تشخیص وہ خود دے گا کہ یہ پیسے وہ کہاں لگائے، ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے، یا ہمیں، ہم پر ضروری نہیں ہے کہ ہم اسے یہ کہیں کہ تم یہ پڑھائی میں نہیں لگاؤ گے، اور یہ تم آٹا خریدو گے، اور تم یہ اس سے یہ دوا خریدو گے، اور اس سے تم مثال کے طور پہ اپنا راشن نہیں خریدو گے. ضرورت مند ہے، ہم اسے دے دیں، پھر وہ اپنی ضرورت کا انتخاب خود کرے کہ اسے کون سی ضرورت پوری کرنی ہے. دیکھیں یہ تو ہم، یہ تو بہت ضروری ہے کہ ہم فقراء کو ڈھونڈیں،
जो मांगने वाले लोग नहीं हैं, जो हमें जगह जगह मिलते नहीं हैं। तो अगर हमारे माशरे में ऐसे अफराद के जिनको हमें पता है कि ये परेशान है माली तौर पर, मगर ये कहेगा भी नहीं किसी से जाकर, ये अपना वक्त परेशानी का ऐसे ही गुजारता रहेगा, तो उन लोगों को ढूंढ कर फितरा और अगर खुम्स सहम सादात, खुम्स सहम इमाम, गैर सैयद हैं तो ज़कात हम उन्हें पहुँचाएँ, ये ज़्यादा बड़ा हुनर है। अगर बाउनवाने फितरा ही देना पड़ेगा उन्हें, जरूरी नहीं है छुपाया जा सकता है कि फितरा नहीं, जरूरी नहीं है कि उन्हें बताया जाए कि फितरा है। फितरा देने वाले पर जरूरी नहीं है कि देते वक्त वो बताए कि ये फितरा है। या अल्लाह हमारे बोलने बैठने को इबादत शुमार फरमा, इस मजमे पर, इस इज्तमा पर अपना करम नाजिल फरमा, हमें कुरान समझने वालों में शुमार फरमा, कुरान अमल करने वालों पर शुमार फरमा, हमारी आकिबत बखैर फरमा, इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा। मज़ीद इल्तिमास है एक सूरह फातिहा की। हाज़रीन मजलिस के मरहूमीन, ख़ास तौर पर सैयद जाफ़र अली रिज़वी, सैयदा मलिका खातून, सैयदा ज़ुहा फ़ातिमा, सैयद मौलाना मोहम्मद ओन नकवी, सैयदा सालिहा लुबना तकवी और रईस फ़ातिमा, निसार हुसैन, मेहदी हुसैन मिर्ज़ा, सैयदा शबाब फ़ातिमा, सैयद करार हुसैन, कनीस सैयदा, आप सब के मरहूमीन रहमल्लाहु मन क़रा अल-फ़ातिहा। بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على محمد وعلى محمد سيدة زكية نير بيمار ہیں شاعر اہل بیت پوتراب اسکاؤٹ کے اسکاؤٹ عریب ہادی का हादसा हुआ है अभी बता रहे हैं। और मौलाना सैयद मज़हर अब्बास नकवी मेरे चचा हैं खैरपुर से, उन्हें कराची लाए, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। इसी तरह टीटू भाई जनाब हूरुलैन साहब की वालदा, हूरुलैन तो कोई साहिबा होंगी उनकी वालदा, और इसी तरह आप सब के जितने भी अजीज़ों में बीमार हैं उन सब की शिफायाबी के लिए बलंतर सलवात।